और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है। यात्रियों को ले जाने के लिए एक रेस्क्यू ट्रेन भी पहुंची है। बीती रात से सैकड़ों यात्री महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे हुए थे। पटरी पर पानी होने की वजह से ट्रेन महाराष्ट्र के बदलापुर में फंस गई थी, तो सैलाब के बीचों बीच कई घंटों तक फंसी रही है ट्रेन। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जो स्थानीय पुलिस है, साथ ही साथ वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया था। बीती रात से सैकड़ों यात्री इस ट्रेन में फंसे हुए थे और यात्रियों को लगातार ये बात कही जा रही थी कि वो ट्रेन से नीचे नहीं उतरे, और वहां पर जो टीम है, रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और काफी इंतजार के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ट्रेन का वहां पर इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें वापस मुंबई पहुंचाया जा सके, लेकिन अच्छी बात यह रही है कि सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है और यात्रियों को ले जाने के लिए एक रेस्क्यू ट्रेन भी वहां पर पहुंची है। तो लगभग 12 से 14 घंटों तक लगातार ये ट्रेन में अटके रहे, फंसे रहे यात्री। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर ये बदलापुर, जहां पर ट्रैक के बीचों बीच, ये सैलाब के बीचों बीच ट्रैक पर फंसी हुई थी ये ट्रेन, और अब सभी यात्रियों को वहां से निकाल लिया गया है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी, लगातार हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। अंकुर, सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है और जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू ट्रेन की भी वहां पर व्यवस्था कर दी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जितने भी यात्री थे उन सभी को रेस्क्यू करवा लिया गया है। मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा टीम, 260 ट्रेन्ड लोगों की टीम थी जिसको वहां भेजा गया था। ये टीम वो थी जो कि एनडीआरएफ के अलग थी। इसके अलावा जो स्थानीय का जो डिजास्टर कंट्रोल फोर्स है उसकी भी टीम इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में लगी, लोकल पुलिस स्टेशन की टीम लगी, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इधर की बदलापुर की, वहां के लोग भी वहां लगे थे और स्थानीय गांव में। ये पूरा जो ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें सेंट्रल रेलवे भी शामिल थी, सबने मिलकर इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कराने में एक दूसरे का सहयोग किया। इसका नतीजा ये है कि अब जितने भी लोग थे उन सभी को रेस्क्यू करा के फिलहाल बसों के जरिए जो कि मुंबई आना चाहते हैं उनको मुंबई भेजा जा रहा है, और कुछ लोग जो कि अपने डेस्टिनेशन कोल्हापुर जिनको जाना है तो उनके लिए एक स्पेशल रिलीफ ट्रेन की व्यवस्था की गई है। ये जो स्टेशन है वहां पर, और वहां से वो कल्याण से इगतपुरी होते हुए तो अंकुर, जिनको कोल्हापुर जाना है तो वो कैसे जाएंगे वहां पर? उनके लिए भी कोई बस की व्यवस्था की गई है? पहले उन्हें स्टेशन पहुंचाया जाएगा और वहां से रवाना किया जाएगा? जी मैम, आंसर देखिए, एक और रूट होता है जो रिलीफ ट्रेन है। मैं आपको बता रहा था कि जो रिलीफ ट्रेन है वो बदलापुर स्टेशन से निकलेगी कल्याण से ये जाएगी इगतपुरी, और इगतपुरी होते हुए ये ट्रेन आगे कोल्हापुर चली जाएगी अपने डेस्टिनेशन पर। तो ये एक रिलीफ ट्रेन है जो स्पेशल चलाई जा रही है सिर्फ इन्हीं यात्रियों के लिए जिनको कोल्हापुर जाना है। जी, और ये एरियल शॉट्स भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और देखिए कितनी भयावह स्थिति वहां पर, चारों तरफ अगर इन तस्वीरों में आप कुछ देख पा रहे हैं तो पानी ही पानी है। ये ट्रैक के बीचों बीच फंसी हुई है ट्रेन आप देख रहे हैं, और किस तरह से लबालब पानी ट्रेन के इर्द गिर्द भरा हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो ट्रेन में इतने घंटों तक यात्री वहां पर फंसे रहे उनकी क्या हालत रही होगी, वहां तक रेस्क्यू टीम को पहुंचाना, धीरे धीरे उन यात्रियों को बाहर निकालना, उन्हें एक प्लेग्राउंड में बताया जा रहा था जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है इस जगह से, वहां पर पहले भेजा गया, वहां पर कुछ बिस्किट पानी का इंतजाम उनके लिए किया गया, उसके बाद अब वहां पर मुंबई भेजा जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए थे मुंबई जाना चाहते हैं, और जैसे कि हमारे संवाददाता वहां से जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये मुंबई से कोल्हापुर के लिए जानी थी, तो जो लोग कोल्हापुर जाने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। पहले उन्हें बदलापुर भेजा जाएगा और एक दूसरे रूट के जरिए उन्हें कोल्हापुर पहुंचाया जाएगा। तो बहुत ही राहत भरी खबर जो मिली है, जो इतने यात्री कल रात से वहां पर अटके हुए थे, घंटों घंटों वहां पर इंतजार कर रहे थे, अब वो सब सकुशल पहुंचाए जा रहे हैं मुंबई में या अपने गंतव्य पर जहां पर भी वो जाना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं।